Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. किस्मत के खेल की ये कहानी है, ये तो सभी जानते हैं कि मोहिनी बनी माधुरी दीक्षित। हो गई छुट्टी मोहिनी जी। सोच क्या रही हो मोहिनी? कूचा। अगर वो नहीं है तो क्या हुआ? प्यार में जान देने वाले इतिहास बनाते हैं। कूद जाओ मोहिनी, कूद जाओ, कूद जाओ मोहिनी, कूद जाओ। लेकिन फिल्म तेजाब में मोहिनी का किरदार कैसे मिला माधुरी को, ये दास्तां बड़ी दिलचस्प है। जो मैं चाहता था उससे भी तुमने अच्छा काम किया है। एक दिन तुम हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मॉडल बनोगी और मैं तुम्हें बनाऊंगा। थैंक यू सर। यू आर वेलकम, वेलकम। इससे पहले की दुनिया चिल्लाती मोहिनी मोहिनी मोहिनी, माधुरी दीक्षित को एक बहुत बड़ा झटका सहना पड़ा था। बात उस वक्त की है जब फिल्म बनी थी खतरों के खिलाड़ी, जिसमें धर्मेंद्र साहब, संजय दत्त, चंकी पांडे और नीलम थे। माधुरी दीक्षित का नाम कास्ट क्रेडिट्स में सबसे आखिर में था। तब इनके मैनेजर रिक्कू राकेश नाथ ने कहा कि आपने माधुरी दीक्षित को कास्ट तो किया है, लेकिन फिल्म में इनका नाम आखिर में क्यों? तो टी रामा राव साहब ने कहा, बात बहुत सिंपल है बॉस, माधुरी नीलम से जूनियर है इसलिए आखिर में उनका नाम आएगा। और तब राकेश नाथ ने यह ठान लिया वो माधुरी दीक्षित का नाम नीलम के नाम से ऊपर रखेंगे। इस लड़ाई को लड़ते हुए ये पहुंच गए राशि प्रोडक्शंस के द्वार, जहां पे माधुरी की फिल्म अबोध के बारे में जानकारी ली। तो पता चला कि सन 1984 में माधुरी की वो फिल्म रिलीज हुई थी और नीलम की पहली फिल्म थी जवानी। इन दोनों की रिलीज डेट जब मैच की गई तो पता चला कि माधुरी सीनियर है, और इस तरह से खतरों के खिलाड़ी में माधुरी का नाम नीलम के नाम के ऊपर आया। और इसी संघर्ष में रिक्कू जी की मुलाकात हुई चंद्रशेखर नार्वेकर से, जिन्हें हम एन चंद्रा के नाम से जानते हैं। ये उस वक्त की बात है जब फिल्म तेजाब के लिए अनिल कपूर को एन चंद्रा ने साइन किया था। तेरी जिंदगी और मौत के बीच का फासला मुन्ना के चाकू की धार से ज्यादा नहीं है। कभी झूठ बोला तो पत्ते लगाने के लिए भी हाथ नहीं बचेंगे। रिंकू जी अनिल कपूर काम भी संभालते थे, और तब एन चंद्रा ने कहा कि यार एक नई लड़की की तलाश कर रहा हूँ, कोई लड़की नजर में हो तो बताओ। और फौरन माधुरी दीक्षित की तस्वीरें रिक्कू जी ने एन चंद्रा के सामने रख दी। ये देखो तुम्हारी तस्वीरें। मैं इतनी खूबसूरत तो नहीं? क्या बात करती हो अनिता, तुम खूबसूरत हो। फिल्म अबोध के रशेज भी एन चंद्रा को दिखाए गए। सबने कहा कि अभिनेत्री तो अच्छी है पर कैबरे डांसर बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। पर तब तक एन चंद्रा मन बना चुके थे कि फिल्म तेजाब में यही लड़की काम करेगी। तो एक छोटी सी लड़ाई की वजह से रिक्कू जी ने फिल्म तेजाब दिलवा दी माधुरी दीक्षित को और इतिहास रच दिया। अब चिल्लाइए मोहिनी मोहिनी मोहिनी। बॉलीवुड की और भी एंटरटेनिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें पेज 3 रिपोर्टर।